हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ये आपके 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 है। दैट मींस कि आगे के 10 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट, तुम कभी भी जाके देख सकते हो। और एक बात सुनो ध्यान से, ये जो चैप्टर है इसको वन शॉट की जगह हम लोग क्या करेंगे, पार्ट पार्ट में डालेंगे। अब तुम्हें पता है वन शॉट बनाने के चक्कर में बहुत लंबा गैप आ जाता है, सो इसको पार्ट पार्ट में करेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। लेकिन एक बात बताओ तुम्हें, अभी कुछ दिनों में तुम 9th में जाओगे, राइट? तो ये एकेडमिक ईयर खत्म ही हो जाएगा ना तुम्हारा, तो कुछ दिनों में तुम 9th में जाओगे। तो 9th में जाने से पहले अगर तुम चाहते हो कि 9th कैसा है नहीं है वगैरह जानना, तो तुम मेरे फ्री लाइव क्लासेस में आ सकते हो जो कि अनअकैडमी पे होता है, ठीक है? और वो सारे क्लासेस फ्री होते हैं, तो थोड़ा सा आकर के एंजॉय करो। और बाय द वे, अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है? उसमें मैं 9th के सारे चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ, दैट टू इन अ इंटरैक्टिव वे, हम क्विज की तरह से लेते हैं, ठीक है? तो आके मजे कर सकते हो। कब होता है? अल्टरनेट डे 5 बजे, मतलब कल रहेगा आज नहीं, अल्टरनेट डे। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा तो तुम्हें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है? और तुम आ सकते हो। अच्छा, एनी विच वे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दो। चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, मैंने क्या कहा, 3 से 4 लेक्चर में खत्म होगा। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कवर करते हैं, 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं आज, और एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या सवाल है कि फ्रॉम व्हाट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ, मतलब कौन से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना होता है। नाउ अब तुम्हें सोच के देखो कि ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो जैसे यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल के लिए देख लो, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दिख रहा है तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ओवरऑल एक सिस्टम है, राइट? अब ये जिन ऑर्गन से बना होगा उसके नाम पूछ रहा है। तो देखो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना है, लंग्स से बना है, फेनरिक से बना है, लैरिंक्स से बना है, ब्रोंचिलस से बना है, एल्वियोली है, डायफ्राम है। तो हर एक जो तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम होगा उसका अपना काम है। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से बने होते हैं, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है? अभी थोड़ा सा देखो ऊपर आ जाते हैं। विच ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमने अभी देख लिया, राइट? हमारे अंदर कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। अच्छा, जब ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चलते हैं तो इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। Are you getting it? चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं क्या लिखा है कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ऑल द वाइटल प्रोसेस व्हिच आर इसेंशियल फॉर इसेंशियल आर इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। देखो जो मैंने तुम्हें बताया वही लिखा है। अच्छा भाई, मैं रीड करके कभी नहीं आता चैप्टर को पढ़ाने के लिए, 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में तो कभी रीड नहीं करके आता, क्योंकि यहाँ पे रीड कर करके ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी देखो फिर से कुछ क्वेश्चन बोला है। Which processes occur in our body during sound sleep? जब हम शाम रात को बहुत आराम से सोए होते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से हम सोए होते हैं, तो हमारे अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं, बताओ बताओ जरा, कमेंट में लिख के बताना कौन से प्रोसेस होते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं तुमसे अभी पूछ रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी होता है, रेस्पिरेटरी होता है या नहीं होता है, तुम्हारी सांसें चलती है या नहीं चलती है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है, तो तुम क्या लिखोगे, यस। तुम चैट में एक बार यस लिखोगे। मैं 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, 4 बार तुम्हारा यस यस चाहिए मुझे। क्या तुम्हारे अंदर सर्कुलेटरी चलता है, तुम्हारे ब्लड फ्लो होते रहती है? अगर रात को तुम सो रहे हो, मान लो मैं तुम्हारा उंगली काट लेता हूँ, तो क्या ब्लड फ्लो होगा कि नहीं होगा, खून बहेगा या नहीं बहेगा, यस या नो लिखना। ऐसा तुम्हें ऐसे लिखना है, रेस्पिरेटरी यस, सर्कुलेटरी यस। अच्छा, कभी रात को सोते सोते तुम्हें जोर से लगी है कि नहीं लगी है, बताओ मुझे, लगी है ना, लगी है ना? हाँ, कभी तो तुमने ऐसा बेड पे ही, मतलब बचपन में बोल रहा हूँ, बचपन में बोल रहा हूँ, ठीक है? तो लिखो कि हाँ एक्सक्रीटरी, या फिर अब तो बाथरूम में, मतलब थोड़ा सा माइंड मत करो इस बात को, ठीक है? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चलता है कि नहीं चलता, चलता है ना? अच्छा, तुम्हारा दिमाग भी काम करता है ना, तुम सपने देखते हो कि नहीं देखते हो, तो मतलब तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी काम करता है। तो मैंने 4 सवाल पूछा है, चारों के आगे तुम लिखोगे यस यस यस, या फिर नो भी लिख सकते हो अगर तुम्हारा नहीं चलता है तो। एनी विच में, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विच प्रोसेस ऑकर कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी, सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली ऑकर होते रहते हैं, ठीक है? अब देखो, डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आर वर्किंग इन अ ग्रुप सो एज टू स्मूथली कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक साथ काम करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में, कि हमारे बॉडी के जो भी प्रोसेसेस है ना वो स्मूथली चल पाए। आर यू गेटिंग इट? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
दिस लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप. ये जो लाइफ प्रोसेस है ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है. स्पेसिफिक ऑर्गन्स कैरी आउट स्पेसिफिक स्टेप्स. अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो अलग अलग स्टेप्स करते हैं. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. लेकिन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा था नीचे, यहाँ पे कुछ तुम्हें दिख रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो मिल करके उनका एक ही गोल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करना. तो जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के एक काम करते हैं, मतलब तो एक गोल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो यहां तक समझ गए होगे तुम. अभी देखो आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक हो गया. वेरियस ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, मस्क्यूलर एक्सेट्रा फंक्शन इन आवर बॉडी. ये सारे बहुत हैं जो हमारे अंदर फंक्शन कर रहे हैं. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक सवाल पूछा तुमसे. देखो, विच डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग इन बॉडी ऑफ एनिमल्स. कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स है जो फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग करता है? तभी हम इसको डिस्कस करने ही वाले हैं. देखो अभी देखो, एनर्जी जो है इट इसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर सारे लाइफ प्रोसेस को चलते रहने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, और उसको क्या है? एनर्जी. एनर्जी कहां से मिलता है? जो खाना तुम खाते हो. आर यू गेटिंग इट? एनर्जी प्रोडक्शन ऑकर विद इन द सेल. ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो सेल के अंदर होता है. सेल्स नीड सप्लाई ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस. दिस सप्लाई टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट थ्रू द फॉलोइंग थ्री स्टेप. तो अभी एक दो तीन स्टेप हम देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें पहले थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ. देखो, तुम लोग को सारी चीजों के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए तुम फूड खाते हो. फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स. अब ये न्यूट्रिएंट्स तुम्हें देता है एनर्जी, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स कब एनर्जी देगा? जब इसका ऑक्सीडेशन होगा. मतलब ये न्यूट्रिएंट का जब ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या? ये न्यूट्रिएंट जब ऑक्सीडाइज होगी, जब तुम सांस लोगे, खाली खाना खाने से काम नहीं चलता, सांस भी लेना पड़ता, समझ लो, तब तुम्हें एनर्जी मिलेगा. वही सब हमें यहाँ पे पढ़ना है. आर यू गेटिंग इट? अभी ध्यान से देखो, पहला बोला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अच्छा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? सांस लेना और सांस को छोड़ना. जैसे कि मान के चलो, तुम अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, दिस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन. इसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन. एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज एंड सेंट टुवर्ड द लंग्स थ्रू द ट्रैकिया. विंड पाइप के थ्रू गया. आगे दिखाता हूँ डायग्राम, टेंशन मतलब. ये देखो यहाँ पे देखो, ये ट्रैकिया दिखाया यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर से अंदर गया, अंदर लंग्स की तरफ गया हवा. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं. अब देखो, सांस को छोड़ दिया मैंने, तुम भी छोड़ दो. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन, एक्सहेलेशन. ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू द ब्लड. हमारे हमने जो सांस लिया, हमने जो सांस लिया था एयर, उसमें जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में मिल गया. वो क्या हुआ? वो ब्लड में मिल गया और ब्लड कैरीज द सीओ टू फ्रॉम द वेरियस पार्ट. और ब्लड ने डिफ्यूजन किया अंदर. सुन, क्या डिफ्यूजन किया? मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक चीजें थी ना, उसको निकाल दिया. देखो क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द लंग. दिस एयर इज गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन. तो बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक चीजें थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, अलग गैसेस था, वो डिफ्यूजन के कारण लंग्स में वापस आई और फिर हमने उसको निकाल दिया. आर यू गेटिंग इट? और ऑक्सीजन का क्या हुआ? जो एयर में था वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू चारों तरफ. वाह, चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो क्या हुआ. बोथ दिस प्रोसेस ऑकरिंग इन विद द हेल्प ऑफ लंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. लंग्स की मदद से ये दोनों चीजें जब होती हैं, तो इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेस्पिरेशन. आसान है? कहो आसान है. आसान है, लिखो एक बार चैट में, लिखो नीचे हैशटैग आसान, लिखो एक बार. अगर तुम यहां तक पढ़ रहे हो, देखो मैं कितना मजे से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें. अगर तुम्हें भी इतना मजा आ रहा है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तो तुम लिखो हैशटैग आसान. देखो 8वीं से तुम बड़े होकर 9वीं में जाओगे, तब ऐसे लाइन टू लाइन मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा तुम्हें. तो अभी सारी चीजें तुम्हें समझ के लेनी है. आर यू गेटिंग इट? ऐसा एक भी लाइन नहीं है जो टेक्स्ट बुक में फालतू में दिया है. बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे लोग ही बनाते हैं. आर यू गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. हाँ, कहीं कहीं चीजें बार बार रिपीट हो जाती है, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं. अभी आप देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं. तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर तुम्हारे अंदर गैसेस जैसे 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 अच्छा, इंटरनल रेस्पिरेशन है भाई, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है. ऑक्सीजन लिया, एयर लिया, एयर छोड़ा, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन था जिसको हमने लिया था, और जो हमने छोड़ा वो उसके अंदर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था. तो ये एक्सचेंज कैसे हुआ? ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे? देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल मतलब लेना और छोड़ना, इंटरनल मतलब ये एक्सचेंज जो हुआ ना, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे. ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू फ्लूइड इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड. क्या बोल रहा है? सिंपल बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से
टिश्यूज फ्लूइड में गया और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज फ्लूइड से ब्लड में आया। मतलब देखो, एक है तुम्हारा टिश्यू फ्लूइड, उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और उसके अंदर ऑक्सीजन गया, ऐसा बोल रहे हो, दैट्स इट। ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हुआ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अभी आगे बढ़ो, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की। देखो, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है। अब तुम जो भी खाते हो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। मैंने तो बताया था, फूड से न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन होता है, तब तुम्हें एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो देखो, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न, मतलब ऑक्सीडाइज, मैंने क्या बोला था, न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन होगा सांस लेते हो तो, आर ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। देखो, ये है तुम्हारा ग्लूकोज, देखो ये देखो C6H12O6, ये क्या है, ये तुम्हारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज की गोली लो, एनर्जी ले लो, नहीं नहीं गलत, गंदा हो गया, ठीक है, गंदा हो गया ये, ठीक है। तो ग्लूकोज है, ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है। मैं, अच्छा, मैं देखो पेन ले लेता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, C6H12O6, ये क्या है तुम्हारा, तुम्हारा ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज का हमने किया ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, वाटर बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, और तुम्हें एनर्जी मिल रहा है, 38 एटीपी मिल रहा है। देखो ये तुम डिटेल में, ये डिटेल में, ये जो डिटेल में ना, इसमें क्या होता है मालूम है, एक ग्लाइकोलाइसिस नाम का स्टेप होता है, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब तुम 10th में जाओगे तुम्हें थोड़ा याद आएगा। फिर होता है तुम्हारा टीसीए साइकिल, जिसको क्रेब साइकिल बोलते हैं, और फिर तुम्हारा होता है ईटीसी चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर रिएक्शन। ये सब डिटेल में, और ये इतना ही क्यों होता है, ये सब एकदम डिटेल में तुम कब पढ़ने वाले हो पता है तुम्हें, अपने 10th स्टैंडर्ड की पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2। आर यू गेटिंग इट? तो अभी के लिए थोड़ा सा सबर कर लो भैया, और थोड़ा रुक जाओ, और अभी हम लोग देखो, यहाँ तक हमने देख लिया, ये है तुम्हारा ग्लूकोज है, ये तुम्हारा ग्लूकोज है, याद रखो। तो अभी तुम्हें एक मुद्दा बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। देखो हमने फूड लिया, ठीक है, फूड में क्या था, न्यूट्रिएंट्स था, न्यूट्रिएंट्स का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्या मिला, एनर्जी मिला, और ये जो एनर्जी मिला ये कौन से फॉर्म में मिला, ये एटीपी के फॉर्म में मिला। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अब ये सवाल उठ सकता है तुम्हारे मन में कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा एकदम डिटेल में, एकदम डिटेल में कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, वो भी पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद एक लास्ट पार्ट बच जाएगा तुम्हारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप, उसको हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो इस तरीके से छोटा छोटा सा लेक्चर आएगा और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये वाला लेक्चर कैसा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुम्हें लेक्चर मजेदार लगा या नहीं लगा। अच्छा, मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ, लेकिन मैं पूरा सिलेबस डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो तुम प्लीज बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि उनकी भी मदद हो जाए। और इस चैनल पे अगर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो यार, अब मैं चाहूँ तो उधर ऐसा बीच में वो ला, एक स्टार्टिंग में एक इंट्रो डाल सकता हूँ, शुभम झा लंबा चौड़ा, चाहूँ तो बीच में ऐसा डाल सकता हूँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब, लेकिन अब मैं वो सब करना थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ, और लिटरली छोड़ना ही चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। अरे गेटिंग इट? और यहाँ पे पढ़ाई मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड लंबा लेक्चर नहीं हुआ, 13 मिनट का लेक्चर हुआ, ऐसे 15-15 मिनट के लेक्चर आएंगे और फटाक से चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, कीप स्माइलिंग। बंद करूँ? चलो बंद करते हैं फिर।